सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम सिक्स क्लास में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 38। ए बी रेखा में बिंदु पी प्रतीत करो जो रेखा ए बी के बाहर दिए बिंदु एन एच से समान दूरी पर हो। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें सबसे पहले दिया हुआ ए बी रेखा है, तो हम ए बी रेखा ले लेते हैं। ये हम लेते हैं ए और बी रेखा, और बाहर दो बिंदु दिए हुए हैं। ये मान के चलिए ये आपका पॉइंट है एन, ये आपका पॉइंट है एच। अब ये क्या कह रहा है कि यहां से आपने जो है एक पी बिंदु प्रतीत करना है ए बी रेखा पे, तो वो पी बिंदु जितना दूर उससे एन होगा उतना दूर उससे एच भी होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एन पी जो आपका एन एच जो आपके बिंदु है, इन दोनों को हम आपस में डॉटेड मिला देते हैं। इस तरह से हमने क्या करना है, इन जो ये जो आपकी रेखा आ रही है या जो बिंदु हमने मिलाया है डॉटेड, इनका हमने समद्विभाजन करना है। आधे से ज्यादा प्रकार खोल के हमने चापे लगानी है दोनों पॉइंट से, एच से भी और एन से भी। इस तरह से हम इसको मिला देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं समद्विभाजन वाली रेखा जहां पे ए बी रेखा को काट रही है, ये पॉइंट आपका आ गया पी। तो ये हमने प्रतीत करना था पी पॉइंट, तो ये हमारा ये आ गया। अब आपने देखना है कि समान दूरी पर है एन से, यहां से आप पी से आप एन को मिला दो। इस तरह से, और आपने पी से एच को भी डॉटेड मिला देना है। इस तरह आप देख सकते हैं और आप इसको नाप सकते हैं, क्योंकि इसने कहा था कि n और h जो होगा पी पर से बराबर दूरी पर। देखिए ये आपका n और p है, ये आपका n और h, ये देखिए बिल्कुल बराबर है। तो इसने p पॉइंट हमें कहा था, ये हमारा बन गया है p पॉइंट, हमारा बराबर दूरी पे आ गया है। ये प्रश्न नंबर आपका है 38, ये बन के तैयार। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 39। सी ए बी समकोण को चार समान भागों में बांटो। तो हमें समकोण दिया हुआ है सी ए बी, समकोण हम कैसे लेते हैं, समकोण आई मीन्स तो 90 डिग्री का होगा समकोण यदि होगा। हमने सबसे पहले क्या करना है, एक समकोण लेना है, डायरेक्टिव भी हम ले सकते हैं और 90 डिग्री का कोण भी बना सकते हैं। ये हमारी रेखा आ गई है ए बी। आप क्या कर सकते हैं, आप ए पॉइंट से यहां से इस तरह भी समकोण ले सकते हैं, यहां से ये आपका 90 डिग्री का कोण इस तरह भी आ सकता है, सेक्सक्वायर से भी ले सकते हैं, क्योंकि इसने डायरेक्ट कहा है कि समकोण के चार भाग करने। समकोण आप यहां से भी बना सकते हैं, उसके बाद जो है आप कोण के चार भाग भी कर सकते हैं और आप 90 डिग्री का कोण भी यहां बना सकते हैं। तो जैसे आपने आपके बुक में दिया हुआ है, मैं उसी तरह से आपको बता रहा हूं। यहां से हम एक पहले समकोण बनाएंगे, फिर उसके चार भाग करेंगे। ये मैंने सेक्सक्वायर से आपको इसलिए बताया क्योंकि दिया हुआ समकोण है, समकोण के चार भाग अपने करने, तो आप सीधा ही समकोण सेक्सक्वायर से भी बना सकते हैं। और यहाँ आप बना रहे हैं हम प्रकार से, तो ये आपका पॉइंट है पी, और यहां से जो हमारी पहली चाप लगेगी ये, और
उसके बाद हम एक दूसरे चाप लगाएंगे 120 डिग्री की, ये आपके 60 डिग्री की, और इन दोनों चापों को हम समद्विभाजन करेंगे, इनके बीच की जो दूरी है इसका आधा कर देंगे इस तरह से, और ये जो आपका कोण बनेगा ये आपका बनेगा समकोण, मीन्स 90 डिग्री का कोण बन जाएगा इस तरह से, और 90 डिग्री का कोण जहाँ पे बन रहा है ये जो आपका पॉइंट है ये आपका आ गया एफ पॉइंट, और जहाँ पे दोनों चापे कट रही है ये आपका पॉइंट आ गया आर, और जो ये रेखा आ गई है इसका नाम हम दे देते हैं एन इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इसका आधा कर देना है, तो आधा हम कैसे करेंगे, पी से एफ, ये आपका एफ पॉइंट देख सकते हैं, इतनी प्रकार खोल के हमने चाप लगा देनी है आगे को इस तरह से, और अब आपने क्या करना है एफ पॉइंट पर प्रकार रखनी है यहां से, पी जितनी प्रकार तो पहले ही आपकी खुली है, तो आपने इस तरह से यहां से चाप लगा देनी है अब हमने क्या करना है, ये जो आपकी चापे जहां कट रही है ये पॉइंट आपका आ गया M, हमने M पॉइंट को A के साथ मिला देना है, और वो भी डार्क, यहां से ये आप देख सकते हैं ये आपके समकोण के दो बराबर भाग हो चुके हैं, इस रेखा का नाम हम दे देते हैं D। अब आपने क्या करना है, जितना जो आपका यहां पे ही कट रहा है ना, ये आपका दूसरा दो भाग जो किए थे हमने, इसका पॉइंट का नाम हम दे देते हैं इसको ओ। अब हमने क्या करना है, ओ पॉइंट पर प्रकार रखो और ऊपर जो है वो चाप लगा देते हम इस तरह से, और हमने एफ पॉइंट पर प्रकार रखनी, और ये जो हमने चाप लगाई थी ना इसी को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं और ऊपर भी इस तरह से हम इस चाप को लगा सकते हैं इस तरह से, और हमने नीचे को भी चाप लगानी है यहाँ से आपके ओ बिंदु से, और पी से हमने जो है इस चाप को आगे इस तरह से काट देना है, ऊपर जहाँ पे ये चापे हमारी कट रही है यहाँ पे इसका नाम हम दे देते हैं एस, यहाँ पे जो ये चापे हमारी कट रही है इसका नाम हम दे देते हैं जी, तो हमने ए और एस को मिला देना है, और हम इसको डार्क मिला देंगे इस तरह से, और ये जो रेखा आ रही है इसका नाम हम दे देते हैं, इसका भी आपके पास एन ही नाम दिया हुआ है और आप चेंज भी कर सकते हैं, बुक में एन दिया हुआ है तो मैं भी यहाँ एन लिख रहा हूँ। इसके बाद हम जी और ए को आपस में मिलाएंगे, और जो ये हमारे पास रेखा आ रही है इसका नाम हम दे देंगे एच।